Hey guys, good morning and welcome back to another blog. आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे. अभी 6:30 बज रहे हैं सुबह के और हम लोग गाड़ी में, सारी फैमिली आप देख सकते हो, दादा है, सचिन भाई है, सुनील है, मम्मी है, पायल भी है. तो अभी हम लोग सभी जा रहे हैं सप्तशृंगी देवी के मंदिर में, जो है वनी में. वनी एक गाँव है, तो वहाँ पे देवी माँ का मंदिर है. तो अभी नवरात्र चल रहा है ना, तो वो बहुत ही, आप बोल सकते हो, फेमस भी है और बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पे नवरात्र में जाते हैं सभी लोग. और हमारे मेरी मम्मी बोल रही विद्यापीठ है, विद्यापीठ एजुकेशन. हाँ, तो जो 3.5 शक्तिपीठ है ना, उसमें से एक है. और इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है इस टाइम पे, और देवी माँ के दर्शन करने के लिए सभी लोग जाते हैं. हमारी मम्मी पापा तो कितने सालों से जाते आ रहे हैं, हम भी जाते हैं कभी कभार, हर वर्ष जाते. हाँ, दर हर साल जाते हैं. अब इस साल कार थी तो हमने सोचा चलो सब लोग साथ में जाते हैं. सचिन भाई भी घर पे मौजूद थे तो इनको भी हमने गाड़ी में बिठा लिया. निकल चुके हैं हम लोग, और अभी यहाँ से लगभग है ना 14 किलोमीटर बाकी है. दिखा रहा है यहाँ से 14 किलोमीटर तो पहुंच जाएंगे भाई. और गाड़ी आज पापा चला रहे हैं, एकदम F1 रेसिंग चालू है आज सुबह सुबह. ये देखो स्पीड, देखो गाड़ी का 80 के ऊपर है. 80 जी ऊपर नहीं. और ये जो एरिया है ना, इसके आजूबाजू में आप देख सकते हो सिर्फ ग्रेप्स ही ग्रेप्स है. ये सुलावाई नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ना नासिक की सबसे फेमस वाइन जो है ना वो इधर ही है, सुलावाई नहीं. आ सकते यार, एक दिन की ट्रिप हो जाएगी सुलावाई नेट्स में हमारी, चखना लेके आएंगे. पर वाइन तो हम पीते नहीं है, दारू जारू शराब बेराब हम तो पीते नहीं भाई. पर आएंगे एक दिन, सभी लोग आएंगे. हम बच्चे लोग जब घर पे होंगे ना, वैभव वगैरह सब आएंगे ना, तब हम आएंगे कार लेके. एक चीज नोटिस करने लायक है, यहाँ के किसान ना बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके खेती करते हैं. ओ भाई सुबह क्या हो गया, ये पूरी गाड़ी निकल गई नीचे. और उसमें कितने लोग भरे थे, 15-20 लोग थे उसमें. एक डुकली जिंदगी हुकली डुकली कर दोस्तों. यहाँ पे कितना सुंदर यार सब कुछ. हमारे यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती ना, हमारे यहाँ पे सब सूखा सूखा लगता है. इधर देखो कितनी हरियाली है सब जगह. तो अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग के जगह पे, और पार्किंग बहुत लंबी है तो इनको इधर ही उतार देते हैं हम लोग, फिर गाड़ी लगा के आएंगे थोड़ी देर में. पायल उतर जाओ सुनील जल्दी. ये देखो भाई लंबी, इतनी लंबी पार्किंग है इधर, आप देख सकते हो. तो पार्किंग को जगह मिल चुकी है, यहाँ पे पार्क कर दी है गाड़ी. आई होप सेफ रहेगी, क्योंकि पूरा इधर पार्किंग ही पार्किंग है भाई. अभी याद भी रहना चाहिए एग्जैक्टली कहाँ पे है, वहाँ से इधर आना है सिर्फ. सब ST ड्राइवर के भरोसे है. और ना अभी ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के लिए ना भाई बस से जाना पड़ेगा. और ऐसे घाट है मोड है ऐसे. आ गए ये लोग भी, तो इस बस से जाएंगे अभी हम लोग. चलो पायल, डर लग रहा है क्या? बड़े दिनों बाद मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई. चलो दोस्तों पहुंच गए ऊपर, अभी उतरते और जाते हैं. अभी हम सोच रहे हैं रोप वे से जाएंगे. ऐसे बस में आए ना, इसको आगे का दरवाजा ही नहीं है, एक ही दरवाजा है उसको. कितना रिस्की है भाई. तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, और कुछ चने फुटाने ले रहे थे क्योंकि बहुत एनर्जी डाउन हो गई है. इन लोगों तो अभी भूख लगी है. मैं तो भाई फुल एनर्जी के साथ ऊपर चढ़ूंगा. इतना ऊपर जाना है
इस पहाड़ के ऊपर। मम्मी तो कब के आगे चले गए, जब तक हम चने फुटाने ले रहे थे। मेरे पास पायल ने बैग थमा दी है क्योंकि मुझे लगा बैग ले रहे तो उसमें और पानी डाल रहे भाई। वो तो ऐसे हो और बस से आए भाई, इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। हाँ एकदम ब्लॉक होते। इस बार जाने वाले रोपवे से क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इतने भीड़ में मम्मी का एक तो व्रत है और बहुत भीड़ रहती है तो स्टैम्पिडिंग होने का चांसेस रहता है। तो इससे अच्छा जाएंगे मस्त रोपवे से, देवी माँ के दर्शन करके आएंगे। और पायल हमारी जब शादी हुई थी तब आए थे। हाँ तो हमारी जब मतलब आज ही के दिन आए होंगे हम। हाँ आज वर्षों पहले, आज से 2 साल पहले हम लोग इसी जगह पे थे जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हम देवी माँ के दर्शन करने के लिए आए थे। 2 दिन बाद ही आए थे ना। हाँ दूसरे दिन ही आए थे हम लोग, दूसरे दिन ही आए थे मतलब कल आए। हाँ कल आए थे तो उस टाइम तो हम चढ़ के गए थे ऐसे। उस टाइम कुछ भीड़ भाड़ तो नहीं थी, तब नवरात्र नहीं था। वो वहाँ पे मंदिर है, ये देखो यहाँ पे जाना है हमें। चलो मैं टिकट निकाल के आता हूँ तब तक। कितना है रे टिकट? 110 रुपये है क्या? मिल गया टिकट। सुनील का ना फोन पे कभी चलता ही नहीं, जब जरूरत होती तब कभी चलता नहीं, जब जब पैसे देने की जरूरत होती नहीं तब इसका बंद हो जाता है। हाँ भगवान चाहता है मेरा बैंक बैलेंस कम हो। यहाँ पे शॉपिंग के लिए जगह है। मुंह दिखा इधर तेरा। जय गणपति बप्पा मोरिया। या ओटी से सामान घेतलंय। चला ये है भाई टिकट। इस टिकट को दिखाना पड़ेगा ऊपर जाके नीचे आने के लिए। आई एम एक्साइटेड फॉर रोपवे राइड। आर यू एक्साइटेड? तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेन आती है, इसमें बैठ के जाना है। तो चलो भाई अभी हम लोग एक साथ जाएंगे सब लोग। तो ये है वो रोपवे वाली ट्रेन, ये अलग ही है। मुझे क्या लगा था सुनील पता है, वो नहीं होते छोटे छोटे जो हम वो रायगढ़ में वैसे। हाँ वैसे नहीं है। मुश्किल से 2 मिनट लगते होंगे ऊपर जाने के लिए और मंदिर में तो होती ही होगी भीड़। आ गई, ड्राइवर के पास हो गया पहले वाले सीट पे। उसमें ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर ही नहीं पर उसमें। चलो भाई अंदर जाते हैं। हम चलाएंगे गाड़ी। मैं तो भाई खिड़की में बैठने वाला हूँ क्योंकि मुझे वीडियो निकालना है। मेरे लिए जगह रिजर्व करो, जाओ तुम लोग। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो गए। जय। बस 2 मिनट में हम पहुंच चुके हैं भाई मंदिर के ऊपर। दोस्तों एक बार भीड़ देख लो आप चारों तरफ। से आने वाली। 1 घंटा वेट करने के बाद जितना टाइम हमने नीचे से ऊपर आने के लिए वेस्ट करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया। तो कितना टाइम हो गया हम इधर लाइन में ही, अभी 1 घंटा और लगेगा ऐसा लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, अभी 2 मिनट में हमारा दर्शन हो जाएगा। तो दोस्तों दर्शन हमारा हो चुका है और भाई 1 सेकंड भी उधर रुकने नहीं दिया हमें, 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, दर्शन भी नहीं करने दिया। और उधर एक अजीब ही चीज़ पता चली भाई, जो जेंट्स लोग हैं ना वो भी लेडीज़ को धक्का दे रहे हैं। वहाँ पे पुलिस है फिर भी जेंट्स लोग लेडीज़ को धक्का दे रहे हैं। धक्का दे रहा है लेडीज को, बहुत अजीब ही दर्शन हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे ना दो ऐसे जेंट्स रखे जो बहुत बड़े बड़े जायंट्स से वो सभी महिलाओं को ऐसे धक्का दे रहे, जाने नहीं दे रहे। चलो सचिन और पापा तो पहले चले गए थे। तो दोस्तों फाइनली सेफली हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम नीचे भी आ गए हैं। पापा और सचिन तो पहले ही जा चुके हैं, हमारी ट्रेन लेट थी। पायल
कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हो। मम्मी क्या गए थे क्या? पाइन एप्पल बहुत टेस्टी होते यार। चला पाइन एप्पल खाने के लिए पीछे आ गया हूँ मैं। टेस्टी है ना। चलो भाई पहुंच गए नीचे। अभी ना बहुत भूख लगी है, बाहर जाके पहला खाना खाएंगे। हो गए भाई दर्शन अच्छे से। अभी बहुत ज्यादा भूख लगी है। पुलिस एंजा खुर्चे बारे तो किसे किसे भूख लगी? हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। कभी कभी मराठी निकल जाती है मेरी। सचिन को नहीं लगी भूख? और हमारे पप्पा देखो गाड़ी के आगे बैठते, गाड़ी उनके पीछे रहती, सीट इतना आगे ले लेते। देखो चलो भाई खाना वाना खा लेते, बहुत भूख लगी है। अच्छा खाना मिले तो अच्छा लगेगा भाई। ए भाई ये क्या लाया है? हाँ ये कौन सी सब्जी है? जला के लाइए। क्या था ये? पनीर अंगारा? तो दोस्तों मस्त घर पे आ गए थे हम लोग और थोड़ा रिलैक्स वगैरह करके मस्त हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। और कुछ ब्लॉग वगैरह तो बनाया नहीं क्योंकि गाड़ी में ना मुझे खाना खाने के बाद नींद आ गई थी, सीधा आके सो गया फिर थोड़ी देर। और अभी आपको दिखाते हैं हमारे घर पे क्या चल रहा है। मम्मी मम्मी की हालत सुबह से खराब हो चुकी है क्योंकि ना मम्मी को आ रही है छींके, छींके आ रही है और आंखों से पानी आ रहा है, शायद वायरल इन्फेक्शन हो गया है। पर इतना सार का है ना ये करचे नहीं डोले तुम डावे डोले तुम पानी हो राहिलं आणि छींके हो राहिलं सारखं होतं, दुसरा काही घासा नाही विसा नाही काही नाही बाकी कुछ नहीं हो रहा है सिर्फ आंखें। इसलिए ना आपने देखा होगा ब्लॉग में, इसलिए आपने देखा होगा ब्लॉग में पूरा रुमाल पहन के ही थी मम्मी दिन भर। और हमारी धर्मपत्नी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं जरा बताएंगे आप प्लीज? कुछ नहीं बर्तन धो रही है। मम्मी ने क्या जला दिया? क्योंकि ये जो खेत है ना अभी ये खाली हो चुका है ना, इसमें कुछ लगाना है हमें, प्याज लगाएंगे शायद से, तो उसके लिए जो भूसा था सोयाबीन का वो जलाना जरूरी है, तो वो ही कर रही है मम्मी। हम मैच देख रहे थे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड, भारत मैच जीत चुका है। और इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।